सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये अपडेट है UK07 राइडर एंड आमिर माजिद इन दोनों यूट्यूबर्स के बीच हुए कंट्रोवर्सी के बारे में। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल्स में समझाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बट अभी UK07 राइडर ने IGTV पर इस पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल्स में समझाते हुए एक वीडियो अपलोड की है। वो वीडियो बहुत ही लंबी वीडियो है, तो मैं उसका कुछ क्लिप आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। एंड अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं। राग डोबाल है एंड यूट्यूब पे एक मेरा चैनल है द UK07 राइडर करके। एंड ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो रखी है गाइस। टू स्टार्ट ऑफ, ये कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की है। 6 महीने पहले मैंने अपने पापा के साथ एक लेह लद्दाख की राइड का प्रिपरेशन करा था। एंड उस राइड की प्रिपरेशन की हाइप ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा थी कि मैं अपने पापा के साथ लेह लद्दाख जा रहा हूँ गाइस। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करा था। उनमें से एक लड़का था गाइस आमिर माजिद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, एंड ही ट्राई टू रीच मी आउट कि बाबू भैया बिग फैन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड प्लीज मुझे अपने साथ एक राइड पे लेके चले जाओ। मुझे मेरी गलती ये लगती है कि मैंने ना आज तक कभी किसी को मना नहीं करा कि मुझसे मिलने मत आओ या फिर मेरे साथ वीडियोस मत बनाओ। एंड दैट वॉज माई बिग मिस्टेक गाइज। उस बंदे ने जब मेरे को रीच आउट करा था लेह लद्दाख की राइड पर, तो मैंने कहा यार आजा भाई। ही लिव्ड इन जम्मू गाइज एंड वो जम्मू से वापस देहरादून आया था। एंड फिर हम लोगों ने देहरादून से राइड स्टार्ट करी थी। एंड व्हाट हैपेंड गाइज, मेरे पिताजी ना 55 ईयर्स ओल्ड हैं। वो मेरी खुशी के लिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं गाइज ब्रो से ना, उनकी खुशी के लिए ही वेंट ऑन द राइड। एंड राइड में ना उनके बीच में तबियत खराब हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो चला रहे थे। आई ओन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक पे लाइक 20-30-35 की स्पीड पर चल रहा था। पापा बहुत बूढ़े हैं, पापा एवेंजर, पापा अपनी बाइक केवल 35 ही चल पा रहे थे। एंड मैं पूरे रास्ते भर गाइस उनके पीछे अपनी बाइक लगा के चल रहा था। ये जो बंदा था गाइस आमिर माजिद, ये बंदा हमारे साथ राइड पर था। एंड इसको राइड थोड़ी जल्दी कंप्लीट करनी थी, तो इसने क्या करा गाइस, हम लोगों को लेह लद्दाख में छोड़ करके अपनी राइड कंप्लीट कर ली। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं गाइस, जस्ट टू प्रूव एवरीथिंग कि किसने किसको छोड़ा था। सो ये बंदा हमें ना रास्ते में छोड़ के चला गया था। हम लोग पोस्टपेड सिम नहीं लेके गए थे क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि मैं जम्मू से हूं गाइस, तो वहां पोस्टपेड सिम में सब जगह से हेल्प कर दूंगा। एंड हम लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया था, तो हम लोग पोस्टपेड सिम लेके नहीं गए थे। मेरी जब पापा की तबियत खराब हुई तो ये बंदा हमें रास्ते में छोड़ करके भाग गया। एंड छोड़ के जाने का रीजन ये था कि हम लोगों ने इसकी एक फोटो नहीं खींची। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ जहां पर हम लोगों की ये बात हुई है। नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, लेह लद्दाख में हमारे बहुत इजी नोट पे बात सॉल्व हो गई थी कि भाई तेरे को किस चीज का बुरा लगा, तो मैंने इससे सॉरी बोला, भाई आई एम सो सॉरी अगर आपको किस चीज का बुरा लगा अगर मैं आपकी फोटो नहीं खींच पाया। बट गाइस यहां पर एक एंट्री होती है एक नए इंसान की, बियर बाइकर सैमी की। तो बियर बाइकर सैमी मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था और आमिर माजिद का भी म्यूचुअल फ्रेंड था। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि बियर बाइकर सैमी एंड आमिर माजिद मिले हुए थे, लेकिन इस चीज का मुझे इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या प्लान कर रहे। सामी मेरी और सव्या की पर्सनल चैट्स, पर्सनल वीडियोस सब आमिर माजिद को सेंड कर रहा था क्योंकि आमिर माजिद को जस्ट एक रीजन चाहिए था हम लोगों को हिट करने। बियर बाइकर सामी को ही बोला, मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त हो करके, तू मेरा अपना भाई जैसा दोस्त हो करके, तू आमिर माजिद को, उस इंसान को जिससे मेरी कंट्रोवर्सी चल रही है, तू उसको सारी वीडियोस एंड ऑडियोस भेज रहा है। एंड इस चीज का प्रूफ भी गाइस मेरे पास है। मेरे को सामी ने एक वीडियो भेजा था, तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। मेरी और सामी की चैट है यहाँ पे, ठीक है रुको, ये देखो। तो यहाँ पर आमिर माजिद क्लियरली एक्सेप्टेड दैट कि बियर बाइकर सैमी सब्वे और मेरी वीडियोस उसको भेज रहा था। तो इस बात को लेकर के ना बियर बाइकर सैमी से ना मेरा झगड़ा हो गया कि मैंने कहा भाई तू मेरी और मेरी बंदी के पर्सनल मोमेंट्स या फिर हमारी रूम कॉन्वर्सेशन क्यों उसे फॉरवर्ड करा जब तेरे को पता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। तूने क्या बोला उसे, तूने कुछ बोला सैमी, ये बता क्या बोला उसको। मैंने यही बोला, उसने मेरे को बोला कि फटा क्या उसका, तो मैंने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि गाली वाली दिया है, वो चीज देना नहीं चाहिए था। और अगर फटने का बात हुआ भाई वो मैं कैसे बताऊंगा, वो तो बस वीडियो दिख रहा था, वो नॉर्मल था, ठीक है। तो यार इस कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ बियर बाइकर सैमी सेड कि आमिर ने उससे पूछा कि फटा क्या उसका। दिस क्लियरली प्रूव्स दैट गाइस कि बियर बाइकर और सैमी आमिर माजिद बहुत टाइम से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे और आमिर माजिद बस बियर बाइकर सैमी से ना मेरी चीजें एस्केलेट कराना चाहता था कि मैं डिप्रेस्ड हूं कि नहीं हूं, मैं उसके डिस्ट्रैक्ट को लेकर के मैं मेंटली क्या बिहेव कर रहा हूं। दिस वाज ऑल अ प्री प्लान्ड थिंग। बियर बाइकर सैमी को सारी अपडेट थी कि मेरे अंदर से चीजें कैसी निकाली जाए, आमिर माजिद तक पहुंचाई जाए ताकि जो उसका नेक्स्ट डिस्ट्रैक्ट आ रहा है गाइस उसमें वो मेरे को मेंटली किल कर सके गाइस। मेरे को बोल रहा था कि भाई तुम मुंबई में आ जाओ, ठीक है यहाँ पे तो बहुत सारे हैं दोस्त लोग हैं, राइड वाइड करेंगे हम लोग। बोला मैं कैसे आऊंगा मैं मुंबई में, ठीक है। और बोला रहा था कि तुम उसके साथ तुम वो देखना नहीं, वो आसाम राइड पे तुम उसके साथ मत जाओ, ये जाओ वो जाओ, ठीक है। भाई तुझे नहीं बोलना चाहता सामी, तू भाई अभी तू मैं अगर तुम्हारे साथ है भाई तुझे, बट मैंने तो कुछ भी मतलब उल्टा सीधा चीजें तो कुछ भाई तुझे, लेकिन सामी देख भाई पता प्रॉब्लम क्या, भाई तुझे ना नहीं बोलना चाहता।
बट वो मतलब वो क्या करेगा इसको लेके, भाई भाई इसको लेके क्या वो करेगा? भाई सुन मेरी बात, वो ना देख मेरे को ना किसी को हाइप नहीं देना है, सही नहीं, है हाइप का बात नहीं है, बट हाँ। वो क्या मतलब कर क्या सकता है इसकी भाई इसकी? वो जो हमारे कोई भी नहीं है, ना तो मम्मी के साइड से, ना तो पापा के साइड से, ना तो इनके साइड से, तो नहीं हमें नहीं मैं कुछ तो फर्क मैं नहीं उसको पड़ता यही तो। चीज बोला, फिर उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि बात करना चाहता, मैं बोला भाई मतलब क्या करना है मेरे को, मतलब नॉर्मली डायरेक्टली बता, बोला नहीं बोल रहा है, मेरे को बोला कि उनसे एक बार बात करा दो। बट व्हाट हैपेंड गाइस, जब मैं और सभी पेयर बाइकर सामी से इस टॉपिक पे लड़ रहे थे कि भाई तूने वो वीडियोस क्यों भेजा उसे, तूने वो ऑडियोस क्यों भेजा, तू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर रहा है उसे, तो व्हाट ही डिड गाइस, पेयर बाइकर सामी ने ना मेरे और सभी को अननोइंगली रिकॉर्ड करा, हमारी लड़ाई को रिकॉर्ड करा, एंड ही पोस्टेड अ वीडियो टुडे ऑन यूट्यूब की UK07 राइडर एक्सपो। ऐसे ही पूरी YouTube कम्युनिटी के बारे में डेली अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।